लेकिन इसराइल भी हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में नहीं, इसलिए उसने अपने पड़ोसी और ईरान के दोस्त सीरिया पर सुबह सुबह एक साथ दो एयर स्ट्राइक करके उसे दहला दिया। इसराइल का पहला निशाना सीरिया की राजधानी दमिश्क पर, उसका दूसरा टारगेट वहां का अलेप्पो शहर रहा। इसराइल ने दोनों शहरों में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इतनी मिसाइलें गिराई कि दोनों के दोनों हवाई अड्डे ठप पड़ गए। और इसराइल ने सीरिया को एक बार फिर धमकी दे डाली कि वो ईरान और उसके समर्थन वाले हिजबुल्ला का साथ देना बंद कर दे। सीरिया के सरकारी मीडिया ने खबर दी कि इसराइल ने अपने कब्जे वाले गोलान हाइट्स इलाके से दमिश्क एयरपोर्ट को निशाना बनाया। गोलान हाइट्स वो इलाका है जिसे इसराइल ने 1967 की जंग में सीरिया से हथिया लिया था। और अलेप्पो हवाई अड्डे पर मिसाइल चलाने के लिए इसराइल के लड़ाकू विमान भूमध्य सागर के ऊपर उड़कर पहुंचे। बीते 10 दिन में इसराइल का सीरिया पर यह तीसरा हमला है। हमास से युद्ध का ऐलान करने के बाद इसराइल ने दोनों हवाई अड्डों पर पहले 12 अक्टूबर, फिर 14 अक्टूबर और अब तीसरी बार धावा बोला।